सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी बिगनर फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर ऑसम आइडियाज़ इन आउटडोर फोटोग्राफी शूट के बारे में। यानी कि बिगनर फोटोग्राफर्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका अपना खुद का स्टूडियो नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास अपना स्टूडियो नहीं है तो कैसे आप आउटडोर लोकेशन को अपने फेवर में कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अमेजिंग पिक्चर्स बिल्कुल स्टूडियो से या स्टूडियो से भी अच्छी इमेजेस। तो आज वो हम आइडियाज़ को सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं एक वॉल, यानी कि जब आप आउटडोर लोकेशन पे हो तो आपको फाइंड आउट करने हैं इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप यानी कि बैकग्राउंड। तो यहाँ बैकग्राउंड के रूप में मुझे मिली है एक अच्छी खासी वॉल, जिसे मैं बिल्कुल जैसे स्टूडियो के अंदर बैकड्रॉप्स होते हैं बिल्कुल उस तरह की वॉल मुझे यहाँ मिल गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप शूट करें तो आप अपनी चारों तरफ निगाहें घुमाएं और देखें कि आप लोकेशन में से बेस्ट क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आज हमारे साथ मॉडल है और आज हम मॉडल का शूट करेंगे बिल्कुल पोर्टफोलियो जैसे, और आपको अपने मॉडल को भी सही अटायर देना है यानी कि उनकी फिजिक के हिसाब से, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि बैकड्रॉप और मॉडल का जो पर्सनैलिटी है दोनों एक दूसरे को जेल कर सकें। फिर चाहे आप पोर्टफोलियो शूट कर रहे हो या फिर आप शूट कर रहे हो प्री वेडिंग शूट, लोकेशन और मॉडल का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ मैं पहला शॉट और ये जो शॉट मैं ले रहा हूँ, मेरी कैमरा सेटिंग है 160 और अपर्चर मेरा 5.6 और आप देख सकते हैं जो मेरा पहला आइडिया है वो है वॉल का इंटरेस्टिंग, और देखते हैं बैकड्रॉप में वॉल और मॉडल कैसा आता है। सो आप देख रहे हैं ये हेडशॉट हमें मिला है, काफ़ी अच्छा हेडशॉट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपको हमको मिला है, और जो बैकड्रॉप है ऑन लोकेशन बिल्कुल हमने जो है नीचे उतर के और थोड़ा बाहर निकल के फाइंड आउट किया और आप देख सकते हैं कि बैकड्रॉप कितना अच्छा मिला है। तो ये था आज का हमारा पहला आइडिया। अब जो दोस्तों आज का हमारा दूसरा आइडिया है वो है दोस्तों आउटडोर लोकेशन पे, ये हमें आप देख रहे हो एक पेड़ का जो है हमें टहनी मिली है और छोटे छोटे पत्ते हैं, तो ये मैंने सोचा इसको यूज़ करते हैं अपने शॉट में और एक क्रिएटिविटी जो है वो लाने की कोशिश करते हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर। और जो हमारा मॉडल है इसको मैंने प्लेस किया बिल्कुल इन पत्तियों के बीच में, और यहाँ मैं आपको कैमरा सेटिंग बता दूँ कि मैं शूट कर रहा हूँ f2.8 पे ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है मुझे अच्छी मिले, और मेरी शटर स्पीड है 160, ISO है मेरा 100। और एक इनका शॉट लेते हैं और देखते हैं कि ये ऑन लोकेशन जो है हमारी आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर किस तरह से ये बैकड्रॉप निकल के आता है। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ आपको जो है हमेशा क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। तो अब मैं लेता हूं दोस्तों पहला शॉट और यस डाउन चिन डाउन वेरी नाइस टेकिंग आईज ओपन या लुक देयर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें कितना अच्छा जो है एक शॉट मिला है, और इसकी जो डिटेल है ग्रीन कलर अलॉन्ग विद दिस वाइट उनकी जो गांजी है वो, और जो इन्होंने गॉगल पहना है ब्लू कलर का, उसका इफेक्ट और जो ओवरऑल लोकेशन का इफेक्ट है वो काफ़ी क्रिएटिवली जो है बाहर निकल के आया है। तो इस तरह के शॉट्स की आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो तीसरा आइडिया है वो है आउटडोर लोकेशन में, कि ये आप देख रहे हैं पीछे का गैराज जो आप देख रहे हैं शटर डाउन है तो काफ़ी रस्टिक है और जो कलर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ साथ यहाँ ऑन लोकेशन हमें ये मिली है एक स्कूटी जो कि येलो कलर की है, जहाँ मैंने मॉडल को जो है बैठाया है। तो अब जो आइडिया हमारा ये है कि पीछे का बैकग्राउंड और जो फ्रंट के अंदर स्कूटी का कलर प्लस जो मॉडल का एक पूरा पोर्ट्रेट, उसको हमें एकदम जो है जेल करना है अच्छे से ताकि सब चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और पिक्चर जो है हमें एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल एक पोर्टफोलियो वाली इमेज हमारे को मिले। तो चलिए करते हैं ये वाला शॉट और देखते हैं इमेज हमें कैसी मिलती है। तो दोस्तों अब मैं पिक्चर ले रहा हूँ और मेरा जो कैमरा सेटिंग है, मेरा शटर स्पीड है 160 और मेरा अपर्चर है 3.2 और मैं ले रहा हूँ इनका एक पूरा पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल इमेज। देखते हैं ये आइडिया हमको कैसे मिलता है। तो ये मैंने पिक्चर ली है इनकी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा जो है इमेज हमें मिला है इनका, और आप देख पा रहे हो कि ये जो कलर्स हैं और जो बैकग्राउंड है और जो मॉडल है ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे आइडियाज़ आपको लगाने हैं जब भी आप आउटडोर फोटोग्राफी करें, इस तरह के आइडियाज़ आपको एक बेटर फोटोग्राफर बनाने में हेल्प करते हैं। अब दोस्तों आज का जो हमारा फोर्थ आइडिया है वो है, देख रहे हैं आप ये ऑन लोकेशन जो है आउटडोर फोटोग्राफी में हमें मिला है ये एक बड़ा पुराना सड़ा हुआ सा दरवाज़ा, और इसे हम यूज़ करेंगे एज अ प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद आवर मॉडल, और इस तरह की पिक्चर्स पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छी लगती हैं अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं मॉडल का। और ये जो है अब इसे होल्ड करके थोड़ा सा इनको हम एंगल देंगे और देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसे निकल के आता है।
चलिए लेते हैं एक शॉट। तो अब मैं आपको दोस्तों बता दूं, मेरी जो कैमरा सेटिंग है यहाँ मैंने रखा है ISO लगभग 640, क्योंकि ISO लाइट बहुत ही कम है यहाँ पर, और मैंने अपना अपर्चर रखा है 1.6 और शटर स्पीड जो है वो है मेरी करीब 500। तो देखते हैं कि ये पिक्चर हमें कैसा मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, हमें जो पिक्चर मिला है काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी जो है लाइटिंग इफेक्ट भी मिला है हमें, और साथ में आप देख रहे हो ये जो लोकेशन है, ये आउटडोर जो लोकेशन है हमें बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है इमेजेस के अंदर। तो ये थे आज के मेरे 4 ऑसम आइडियाज़। अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।